देखिए, राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वह झूठ बोलने में, जनता को भ्रमित करके शासन करने में माहिर हैं। और हम कह सकते हैं कि भारत के सबसे झूठ बोलने वाला अगर कोई सरकार है तो हेमंत सोरेन की सरकार है। केंद्र सरकार के पैसे आ रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको उपयोगिता प्रमाण पत्र दिल्ली में भेजा जाना चाहिए था, वो भेजा नहीं जाता है। पैसे खर्च हो रहे हैं और पैसे कहाँ जा रहे हैं वो सरकारी अफसरों के घर में जब छापे पड़ते हैं तब पता चलता है कि जनता की गाढ़ी कमाई, केंद्र के पैसे को किस प्रकार से यह राज्य में लूटपाट हो रहा है। आपको कानून सम्मत आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार में कह सकते हैं कि पूरी तरह से वित्तीय अराजकता है, फाइनेंशियल एनार्किज्म है। और ये सरकार जब से बैठी है तब से राज्य में वित्तीय घोटालों का एक भरमार और श्रृंखला खड़ा का काम करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। इसलिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लटकाने का, अटकाने का और भटकाने का काम अगर कोई कर रही है तो हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। बोल रहे तो की बात करें, बताया जाता बोल रहे तो के द्वारा केंद्र सरकार को पैसा नहीं दिया जाता, आवंटन जो की जाती है कोयला उसका भी पैसा नहीं दिया जाता। देखिए, ये सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी लिख पढ़ करके 50,000-70,000 करोड़ रुपए का दावा करते हैं, और कब से कर रहे हैं, देश की आज़ादी से लेकर अब तक का। उस बीच में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। हेमंत सोरेन जी के पिताजी सम्मानित नेता शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री थे, तो उस वक्त के पैसे के बकाया क्यों नहीं मांग करते? उन्होंने उस वक्त कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया, शिबू सोरेन जी ने नहीं दिया कोयला मंत्री के रूप में। और जो कागजात ला रहे हो पूरा तरह से फरेब और झूठ से भरा हुआ है, झूठ का पुलिंदा है, बकाया कुछ नहीं है, इंटरेस्ट जोड़ते चले जा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसी सरकार से तो पहली बार जनता को सामना हुआ है। धनबाद में एक स्कूली छात्रा ने आत्महत्या की है, बिंदी लगाने के लिए शिक्षिका ने पिटाई की, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, और इस सरकार का सबसे बड़ा अगर कोई आरोप जनता लगाती है तो तुष्टिकरण की राजनीति का लगाने। जब से हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार की घटना, बेटियों के साथ बलात्कार की घटना, लव जिहाद की घटना, तो ऐसे सैद्धांतिक रूप से मानने वाले ऐसे कई लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों को बिंदी लगाते देखना नहीं चाहते। इसलिए वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और झारखंड को शर्मसार करने वाली घटना है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। राज्य की सरकार के राजनीतिक संरक्षण के कारण, वोट बैंक के कारण इस प्रकार की घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है, और राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन जी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। और एक बात है, कैंप्स की बात जो झारखंड में मिला है देवघर में, या फिर कहीं भी केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, हेमंत सोरेन का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा पूछा नहीं जाता, जिनके कारण वहाँ डॉक्टर नहीं जाना चाहते और 10 साल हो गए ओपीडी से ज़्यादा पूछ। अरे, स्वास्थ्य विभाग की बात और स्वास्थ्य के बारे में मुख्यमंत्री जी न बोले तो अच्छा है। झारखंड की जनता जानती है कि कोरोना के कालखंड में किस प्रकार से इनके स्वास्थ्य मंत्रालय, इनके स्वास्थ्य विभाग काम कर रहे थे। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए वैक्सीनेशन को सबसे ज़्यादा देश में कहीं बर्बाद हुआ तो झारखंड में हुआ है। किस प्रकार से कोरोना के कालखंड में खरीद बिक्री जब होता था तो उसमें घोटालों का जुड़ाव किसके साथ था, किन लोगों ने घोटाला किया था कोरोना के कालखंड में, ये झारखंड की जनता जानती है। और एम्स तो भारत की सरकार ने दिया है, थोड़ा अगल बगल में जो मुख्यमंत्री जी के 3 किलोमीटर दूर पर रिम्स है, रिम्स वहाँ पर जाकर मुख्यमंत्री जी देखें जाकर के उनके सरकार के द्वारा रिम्स में किस प्रकार से अक्रमणता, अक्षमता और मरीजों के बेहाल हालत को देखने का काम मुख्यमंत्री जी करें, तब वो दूसरे पर उंगली उठाने का काम करें। पूरे झारखंड में पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो काम किए जाते हैं एक भी काम नहीं किए जाते हैं। घोटालों का दुनिया अगर कहीं पर आपको देखना है तो स्वास्थ्य मंत्रालय और हॉस्पिटल्स में जाकर देख लीजिए। ठीक, विशाल और कुछ क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी एकता जो एक मंच तैयार किया जा रहा था, लेकिन झारखंड में जो गठबंधन है उसी के दल के नेता जो है अपनी अपनी सीटों की डिमांड शुरू कर दी है। आप देखते जाइए, समय का इंतजार कीजिए। पटना में कुछ विपक्षी दल
बेंग की तरह टर टर आवाज लगा रहे थे, लेकिन अब जब बेंगलोर में जब अगला बैठक होने जा रहा है तो कई विपक्षी दलों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने दल के नेताओं के प्रधानमंत्री के लिस्ट में नाम है। इसलिए पहला तो ये है कि बारात तो सज रहा है लेकिन दूल्हा भी गायब है, दूल्हा कहीं दिख नहीं रहा है, और बिना दूल्हा के आप बारात नहीं लड़की के घर में तय किया जा रहा है दीपक, कहीं दूल्हा नहीं दिखेगा और मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं। अगला 2024 का चुनाव जब होगा तो आप मान के चलिए पिछले बार 303 सीट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन लाई थी और इस बार 350 पार नजर आएगा, और इन लोगों को तो सच में जनता के दरवाजे से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। देखिए बड़ा दुर्भाग्य, मैं बार बार कहता हूँ, ये सरकार जब से आई है बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा जबरदस्त एक संख्या झारखंड में आकर के एक आर्थिक शोषण करने का एक माध्यम बना है, साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह ये सरकार उपयोग कर रही है, और उन घुसपैठियों के कारण राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो रहा है और राजनीतिक इतनी ज़्यादा वहाँ पर बिगड़ी है झारखंड संथाल परगना में खासकर, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। केंद्र सरकार का भी तो दायित्व, अरे केंद्र सरकार रोक रही है लेकिन ये अंधेरे का लाभ उठा करके राजनीतिक संरक्षण से गर्दनिया पासपोर्ट के माध्यम से लग लाने का काम कर रही है राज्य की सरकार, और उनको नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाने का काम वहां के विधायक करने का काम कर रहे हैं, पाकुड़ के विधायक। ठीक है, उम्मीदवार नहीं था इसलिए उम्मीदवार को मंत्री बना करके चुनाव लड़ाने का काम किया, इसका सीधा अर्थ है कि अपने उम्मीदवार की लोकप्रियता पर उनको संशय था, और साथ ही साथ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का उनका अपना इतिहास रहा है, मंत्री के माध्यम से कुछ ऐसे काम अभी से करना चाहेंगे जिससे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग प्रतीत होगा और उसका लाभ हो चुनाव में उठाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी और आजसू का सवाल है, हम मिलकर के बैठेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, एक रास्ता निकालेंगे, और रामगढ़ की इतिहास को डुमरी में भी हम लोग दोहराने का काम कीजिएगा, कमल रहेगा चाहे एनडीए कोई आजसू का उम्मीदवार रहेगा लेकिन वो एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार होगा। अच्छा, आपको राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह मिली, बाबूलाल मरांडी नए प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन यहाँ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि 2019 में जो इतिहास दोहराया गया है 2024 में वही इतिहास दोहराया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, जो लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, हल्की बात कह रहे हैं, इसका मतलब है जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे, अपने कुकर्मों को देखने का काम नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से नौजवानों के आत्मा के साथ प्रहार करते हुए बेरोजगारी की दर को बढ़ाने का काम किया, यहाँ पर कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया, और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो झारखंड में जंगल राज है ही है जंगल राज, और विकास की शून्यता इस प्रदेश को बहुत खतरे में डालने का काम किया, न सड़क, न बिजली, न शिक्षा, न चिकित्सा, और कानून व्यवस्था तो ऐसा कि लचर की हमारी बहनों के साथ बलात्कार की घटना पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं घट रही है तो इसी प्रदेश में घट रही है, भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं हत्या हो रही है तो इसी प्रदेश में हो रही है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर भारत में कहीं है तो यहीं है, इसलिए सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है, सरकार नहीं सर्कस है सर्कस। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।